तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50 का सक्सेसर गैलेक्सी A50s के बारे में कुछ लीक्स एंड रूमर्स आ चुके हैं और साथ ही इस फ़ोन में आप लोगों को गैलेक्सी A50 से भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यहां पर आप लोगों को एक्जिनोस का 9611 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी A50s के बारे में ही बताने वाला हूँ क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस फ़ोन में, क्या होने वाला है इसका कन्फर्म प्राइसिंग और रिलीज डेट। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस फोन के डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आप लोगों को 6.4 इंच का एक फुल एच डी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि एक पंच होल डिस्प्ले होने वाला है। साथ ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्जिनोस 9611 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जबकि आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी A50 में देखने को मिला था एक्जिनोस 9610 का प्रोसेसर। इस बार आप लोगों को बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, साथ ही आप लोगों को एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और सैमसंग के खुद के UI का भी इंटीग्रेशन देखने को मिलने वाला है। साथ ही आप लोगों को 664GB और 6128GB के दो मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन के रियर कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रिपल रियर कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसका मेन सेंसर है वो है 32 मेगापिक्सल का। साथ ही आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन के सेल्फी कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि पंच होल डिस्प्ले के अंदर आने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, साथ ही आप लोगों को 15 W की फ्लैश चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप लोगों को टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन के सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइसिंग के बारे में। तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस यानी कि 664GB वाले मॉडल की प्राइस आप लोगों को अराउंड 17000 देखने को मिल जाएगी, यानी कि 17000 की प्राइसिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाता है पंच होल डिस्प्ले, एक्जिनोज 9611 का चिपसेट, साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो दोस्तों ओवरऑल बहुत ही बढ़िया फ़ोन होने वाला है अपने प्राइसिंग के हिसाब से। आपको क्या लगता है कैसा है ये फ़ोन, आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बता सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसको लॉन्च डेट के बारे में, कि आप लोगों को जुलाई महीने के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर जो आप लोगों को ये वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। सो गाइस तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।